तीन अरब साल पहले पृथ्वी बिल्कुल अलग थी। सूरज की रोशनी अब की तुलना में धीमी थी, फिर भी शुरुआती पृथ्वी और आज की पृथ्वी दोनों ही जीवन को सहारा देने में सक्षम थीं। हमारे ग्रह के जीवन के लिए निरंतर अनुकूलता वाकई अद्भुत है, लेकिन इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या हमारे ग्रह के परे भी जीवन हो सकता है? अब तक 4000 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की खोज हो चुकी है और कई और की पुष्टि होना बाकी है। जीवन की खोज में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मीथेन और ऑक्सीजन भले ही महत्वपूर्ण संकेतक हों, ये गैर जीव वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए अब ओजोन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसे ऑक्सीजन की तुलना में देखना आसान है, क्योंकि इसकी उपस्थिति और उसमें बदलाव से एक्सोप्लैनेट्स पर जीवन की संभावना को अधिक सटीकता से अध्ययन कर सकते हैं। एक एक्सोप्लैनेट जो एक लाल बौने तारे के रहने योग्य क्षेत्र में परिक्रमा कर रहा है, हमारे लिए दूर के ग्रहों पर तरल पानी की अप्रत्यक्ष रूप से पुष्टि करने का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इस ग्रह का 20% तक द्रव्यमान तरल पानी के रूप में हो सकता है। हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि यह एक मिनी नेपच्यून है या एक सुपर पृथ्वी। पृथ्वी के 8 गुना द्रव्यमान और 33 दिनों की कक्षा के साथ इसका तापमान 100 से 116 डिग्री फारेनहाइट तक हो सकता है। अगर इसकी परावर्तकता पृथ्वी जैसी है तो इसका संतुलन तापमान हमारे ग्रह के समान हो सकता है। इस प्रकार के ग्रह पर पानी की खोज से हमें सौर मंडल के बाहर जीवन योग्य दुनिया खोजने की उम्मीद और मजबूत होती है। ट्रैपिस्ट 1 प्रणाली के 7 ग्रह जिनका आकार मंगल से लेकर पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है, हमें बाहरी ग्रह जीवन की खोज के कुछ बेहतरीन अवसर प्रदान करते हैं। इनमें से 3 या 4 ग्रह रहने योग्य क्षेत्र में हैं, जहां तरल पानी हो सकता है। खास तौर पर ट्रैपिस्ट 1d, जो अपने तारे से उतनी ही मात्रा में प्रकाश प्राप्त करता है जितना कि पृथ्वी को सूरज से मिलता है, तरल पानी के लिए एक संभावित उम्मीदवार है। लेकिन यह ग्रह 40 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रकाश की गति से यात्रा करने पर भी वहां पहुंचने में 4 दशक लगेंगे और फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो इसे संभव बना सके।